हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल होप यू आर ऑल फाइन इन प्रीवियस वीडियो वी टॉक अबाउट एनिमिज्म टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन इट्स सेकंड टॉपिक दैट्स नेचुरलिज्म और नेचुरलिज्म नेचुरलिज्म जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है नेचुरलिस्ट वर्ल्ड व्यू को अबाउट द परसेप्शन वैल्यूज क्योंकि एसोसिएट करते हैं इंडिविजुअल्स के साथ थ्रू देयर रिलीजन जिसमें जो फीलिंग्स कंसर्नस होते हैं इंडिविजुअल्स के सच एज ग्रेटिट्यूड वंडर ह्यूमिलिटी कंपैशन एट्सट्रा जो कि कंसेप्ट ऑफ नेचुरज़म में आते हैं दस जो नेचुरज़म है इसको हम रेफर करते हैं नेचुरल uh, वर्ल्ड ये भी एक नेचुरल वर्ल्ड व्यू है अबाउट एवरी थिंग जो भी एग्जिस्ट कर रहा है बर्थ पे सो इट्स नॉट ए व्यू अबाउट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड और डाइटीज सो अंडर नेचुरलिज्म जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को थ्रू मॉरल स्परिचुल इम्प्लिकेशन के थ्रू और नेचुरलिस्ट व्यूज के थ्रू मेनली जो अंडरस्टैंडिंग है ये बेसड अपॉन है होती है नॉलेज पे जिसको ऑब्ट किया जाता है थ्रू साइंटिफिक इंक्वायरी इन साइड फ्राम डिफरेंट फील्ड एस्पेली जो भी रिलीजस नेचुरलिस्टस होते हैं वो यूज़ करते हैं बहुत सारी परस्पेक्टिव कि वो डील करिए विद ए पर्सनल और सोशल चैलेंज़ को सचैज़ फाइंडिंग पर्पज थिंकिंग इन जस्टिस इन टर्मस मॉरलिटी और नेचुरल वर्ल्ड द जो नेचुरज़म है आइडिया हैं और बिलीफ हैं कि ओनली नेचुरल लॉस और फोर्सेस एग्जिस्ट और ऑपरेट करते हैं वर्ल्ड को नॉट सुपर जो सो so, जो एवरी फॉर्म होती है रिलीजस नेचुरलिज्म की वो बिलीव करती हैं कि जो भी नेचुरल वर्ल्ड है ये एक्ट करता है एज ए सेंटर ऑफ एक्सपीरियंसिस एंड अंडरस्टैंडिंग कंसिक्वेंटली यहाँ पे मोर ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है टू द नेचर सो जो रिलीजस नेचुरलिस्ट हैं वो फॉलो करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स को और वेरियस कल्चरल पाथस को कि वो मीनिंग दे सके और वैल्यू दे सके अपनी लाइफ को सो so, वो ड्रा करते हैं कंसेप्ट डेट uh, जो ह्यूमन बींग्स हैं और उनका जो नेचर है वो इंटरकोनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ uh, जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अब बॉर्न डाई और uh, रहते हैं सो so, जो फंडामेंटल कंपोनेंट है रिलीजियस नेचुरलिज्म का वो है साइनस जो कि री और इनकोज करता है रिलीजियस और स्परिचुअल परस्पेक्ट को और जो साइनस है ये एक्ट करता है एज अ टूल फॉर नेचुरज़म इनमें जो साइंटिफिक मैथड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए सॉरी प्रोवाइड करने के लिए अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ह्यूमन नेचर और नेचुरल वर्ल्ड द जो नेचुरस्ट हैं वो ऑलवेज इन सर्च ऑफ फाइंडिंग में ट्रूथ में रहते हैं uh, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट और रफ प्रोसेस है देयरफॉर जो भी सीकर्स होते हैं वो खाली स्टडी नहीं करते हैं एनिशंट रॉइटिंग्स को बट वो आल्सो फेथ रखते हैं उन पर और उनके रिगार्डिंग वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं क्वेश्चंस पूछते हैं फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स दस ये जो ड्यूटी है मैन की वो ये है कि इन्वेस्टिगेट करना राइटिंग्स ऑफ साइंटिस्ट्स को या लर्न करना ट्रूथ को या परफॉर्म करना क्रिटिकल एग्ज़मनेशन को एक्स्ट्रा सो so, डट वो डिस्कवर करे क्या सही है सो uh, so, uh, ये जो स्परिचुल सेंस है नेचुरजम की ये सेंस है मिस्ट्री वंडर फीलिंग्स अबाउट दिसकोप पावर और ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड की एक मॉरल सेंस में जो नेचुरजम है ये सेंस है कंपैशन जस्टिस राइट एंड रॉन्ग का अबाउट द ह्यूमन बींगज़ और अदर क्रिएचर्स और नेचुरल एनवायरमेंट के रिगार्डिंग सो so, जो एग्जिस्टेंस हैंटेंस हैं डिफरेंट सोर्सिस की ऑन द अर्थ और जो भी सोर्सिस uh, है uh, जो भी सोर्स एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पर उनका अपना उन रीज़न है एग्जिटेंस का ड्यू टू विच उनकी हमें अल्टीमेट इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है विद इन द नेचुरल वर्ल्ड Uh, अगर हम अदर रिलीजियस की बात करें जो रिलीजियस नेचुरलिज्म है कंसेप्ट है मिथ और ये डिस्क्राइब करता है प्लेस ऑफ ह्यूमन बींगस विद इन द वर्ल्ड ऑफ नेचर जो कि आल्सो बिलीव करता है जो कि बिगनिंग है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की वो बर्थ uh, लेती है या टेक प्लेस होती है थ्रू द बिग बैंग और द इमरजेंस ऑफ गैलेक्सी स्टार्स या प्लेट्स या एवोल्यूशन एट्सट्रा थ्रू विच हम हमें यह देखने को मिलता है कि हमें इनसाइट देखने को मिलती हैं कि कैसे नेचुरलिस्ट्स देखते और ऑब्जर्व करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को लाइक हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में आ, कौन सी थिंग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में कहाँ किन चीज़ों किन थिंग्स पे किन चीज़ों पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए एक्स्ट्रा सो इन वॉइस इन वेज़ को फाइंड आउट करके जो ह्यूमनिस हैं ह्यूमन बींग्स हैं वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड जो रिलीजियस और सेकुलर नेचुरलिस्ट हैं लाइक रॉयल रू वो कहते हैं कि एक पर्सन जो कि एक अल्टीमेट कंसर्नस लेता है अपने दिल पे वो मोर रिलीजियस और स्परिचुल कहलाता है सो वो फाउंड करते हैं जो भी ओल्ड नेचुर नेचुरलिस्ट से वो ऑनली डील करते थे विद द मॉरल मॉरलस और उनका इमोशनल रिस्पॉन्स हुआ करता था वर ऑन द मिस्ट्रीज और वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड दस जो नेचुरलिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं इन द एरिया ऑफ अदर रिलीजियस नेचुरलिस्ट व्यूज सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा डोंट फॉर टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू डी डार्क चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग